हाय गाइस, दिस इज एनकर आप फ्रॉम जीनियलिस्ट चैनल। डोंट मेक अप ट्राई टू बिल्ड अ रैशनल लॉजिकल स्टडी। जी हाँ, तो आपने थंबनेल देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आरआरबी मालदा का पैनलिस्ट जारी हो चुका है। जो आरआरबी 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी निकला था, वह आरआरबी मालदा ने अपना पैनलिस्ट, फर्स्ट पैनलिस्ट जारी कर दिया जी। तो चलते हैं, देखते हैं। चलिए, देखिए, आरआरबी मालदा के साइट पे हम लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आरआरबी मालदा के साइट पे है जी। और यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया क्लिक टू वी प्रोविजनल फर्स्ट पार्ट पैनलिस्ट फॉर 160 एएलपी पोस्ट। यानी एएलपी पोस्ट के लिए 167 एएलपी जो पोस्ट है उसके लिए है जी। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे 167 ईएलपी का ही कैंडिडेट का आया है। और ये भी बताया जा रहा है कुछ जगह आरआरबी में कि जो एएलपी का फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था उसका ही पैनलिस्ट पहले बन रहा है जी। और जैसे एएलपी जैसे सेकंड या थर्ड फोर्थ में दिया होगा तो उसका पैनलिस्ट बाद में बनने की संभावना है। ताकि इस बार थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ एएलपी जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं हो पाया है, उनको टेक्नीशियन में भी पोस्ट दी जाने की बात की जा रही है। कुछ रूल रेगुलेशन भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है जी। हाँ, तो यहाँ पे बस यही लिखा है कि इस दिन एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट जी सेकंड हुआ था इस दिन। और जो एएलपी कैटेगरी 1 और 2 है उनके उनके अनुसार ये क्या किया गया है, पैनलिस्ट कहाँ भेज दिया गया था, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो के पास भेज दिया गया है, यानी डिवीज़न में भेज दिया गया है जी। और वहाँ से क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपका इंश्योर कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग अपना यहाँ पर रोल नंबर देखिए, और बधाई हो सबको, कंग्रेचुलेशन जिनके भी आए हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को अपने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।